hello everyone i am sandeep bihan welcome you all to our today's social science class students we had seen in our previous class that how the french revolution had its impact on the other european countries how the concept of nation state and nationalism spread in the europe okay oski badami dekata the concept of liberalism what was the meaning of liberalism

बट इन्ही सबके बीच में एक नया कंसेप्ट निकल के सामने आ रहा था दैट वॉज अ न्यू कंजरवेटिज्म लेट्स सी वॉट दिस इज एंड इट हैपन अभी इन्हीं सब के बीच में और हुआ क्या नेपोलियन जिसके कारण कि ये सभी चेंजेस धीरे धीरे आ रहे थे यूरोपियन कंट्रीज में आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन द नेपोलियन वॉज डिफीट इन द व ऑफ वाटर इन एटीन हंड्रेड एंड फिफ्टीन फाइनली अठारह सौ पंद्रह में वाटरलू के युद्ध में क्या हुआ नेपोलियन हार गया अब नेपोलियन की हार देखो उससे पहले क्या था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो मोनार्कियल सिस्टम ख़त्म हो गया था और जो पड़ोसी देश थे ना जितने भी जो नेबरिंग कंट्रीज थे यूरोपियन कंट्रीज़ थी देवर एंड फियर कि कहीं अब हमारे यहाँ के लोग भी क्या ना करें हमारे यहाँ के लोग भी कहीं उनकी तरह क्रांति ना कर दे रेवोल्यूशन ना कर दे हमारा जो शासन है रूल है पावर है वो सब खत्म ना हो जाए तो दे वॉज केय्ड तो जैसे ही अब नेपोलियन का एंड हुआ तो अब जो कंजर्वेटिव्स थे कंजर्वेटिव्स कौन थे कंजरवेटिव वो है एक्टिव हो गए और अब वो ना फिर से यूरोपियन पॉलिटिकल सेटअप को यूरोपियन पॉलिटिक्स को फिर से रीसेटल करना चाहते थे अभी जो कंजर्वेटिव्स थे ये थे कौन बेटा देखो वर्ड देखेंगे कंजर्व या कंजर्वेटिव मतलब एक छोटी सोच या एक नैरो माइंडेडनेस हम लोग कह सकते हैं लेकिन इन टर्म्स ऑफ दिस से दैट कंजर्वेटिव्स वर द पीपल हु बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इस्टेब्लिश्ड एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी अब वो क्या कहते थे कि जो जैसा चल रहा है सोसाइटी में पॉलिटिक्स में हम लोगों के लाइफ में इट शुड नॉट चेंज इट शुड रिमेन सेम तो पहले क्या चल रहा था पहले तो मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था तो वो लोग चाहते थे कि ये मोनार्कियल सिस्टम ही चले ये जो दोबारा से रिपब्लिक आ गया डेमोक्रेसी की तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए तो देवर अगेंस्ट द लिबरलिज्म लेकिन ये जो कंजर्वेटिव थे अभी हमने देखा कि अ न्यू कंजर्वेटिव है ना तो न्यू कंजर्वेटिव मतलब अभी जो कंजर्वेटिव थे ना इनकी सोच में कुछ चेंज आ गया था क्या चेंज आ गया था देवर समवेयर लिबरल कंजर्वेटिव वो कहीं ना कहीं कौन थे वो कंजरवेटिव तो थे वो सोसाइटी में बदलाव करने के फेवर में नहीं थे बट देवेटिव uh, अब कैसे वो लोग लिबरल कंजर्वेटिव में कन्वर्ट हुए जब नेपोलियन का एंड हुआ तो ये जितने भी जो कंजरवेटिव पीपल थे जिनको अपनी पावर जाने का डर था वो सब मिलकर एक हो गए ठीक है और उन्होंने बोला कि हमने दोबारा से वही जो मोनारकल सिस्टम है ना वही सेटअप करना है तो ये तो हो गई उनकी कंजरवेटिज़म कि हमारी पावर है हमारे पास रहनी चाहिए हम लोग रूल कर रहे हैं तो रूल आ, रूलर शुड नॉट बी इलेक्टेड बाय द पीपल कि पॉलिटिकल सिस्टम सब वही रहना चाहिए लेकिन मैंने कंजर्वेटिव के साथ एक और टर्म जोड़ दी लिबरल कि कंजरवेटिव देवर द लिबरल कंजरवेटिव वो लिबरल क्यों थे क्योंकि नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे ना किए थे ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नेपोलियन ने तो उनको लगा कि वर गुड टू परफॉर्म द रूल व्हाट दे डिसाइडेड कि हम लोग क्या करेंगे डायनेमिक इकोनमी एंड द एबोल्यूशन ऑफ फ्यूडरिज्म एंड टर्म कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक ऑफ़ यूरोप कि उनको लगा कि ये जो कुछ चीजें नेपोलियन ने खत्म की थी दिस वॉज गुड सेकेंड चीज अब कंजरवेटिज्म क्या था उनका कि मुनार्कल सिस्टम रहना चाहिए पावर जिनके हाथ में उनके हाथ में रहनी चाहिए वो पावर उनसे नहीं छीननी चाहिए रोल ऑफ पीपल नहीं होना चाहिए तो नाउ देयर वाज़ अ थिंकिंग ऑफ न्यू लिबरल कंजरवेटिज्म जो कुछ नई चीजें भी अडॉप्ट कर रहे हैं प्लस वो पुराने ट्रेडिशन को भी वापस लाना चाहते हैं इसलिए इसको हेडिंग भी दी गई है बेटा आपकी बुक में अ न्यू कंजर्वेटिज्म न्यू कंजरवेटिव एक ही सोच थी कि सब कुछ पुराना रहना चाहिए जैसा ट्रेडिशन चल रहा है जो शाही चल रही है पावर जिसके हाथ में है मतलब सब कुछ शुड बी सेम नो चेंज लेकिन दे वर द न्यू कंजरवेटिव क्योंकि ये कुछ न्यू चेंजेस अडॉप्ट करने में विश्वास रखते थे अब इनको लगा कि ये जो कुछ चेंजेस जो नेपोलियन ने किए थे दिज वर गुड एंड दिस शुड भी अडोप्टिड तो इसके लिए इन्होंने किया क्या इन्होंने आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन एटीन दे कॉल्ड फॉर अ कांग्रेस uh, या असेंबली आप लोग कह सकते हो एक सभा इन्होंने बुलाई कहां पर बुलाई गई ये सभा ये सभा बुलाई गई बेटा वियना में द नेम ऑफ वियना तो वियना में यह सभा बुलाई गई जहां पर एक एक तरह एक तरीके का समझौता हुआ अब वो समझौता क्या था उसी को नाम दिया गया है ट्रीटी ट्रीटी का मतलब समझौता ही होता है एग्रीमेंट होता है सो दैट वाज अ ट्रीटी ऑफ वियना अभी ट्रीटी ऑफ वियना की किसने थी किसके साथ की थी दैट वी विल सी तो इस ऑफ वियना हुई थी 1815 इंग्लैंड में सॉरी uh, 1815 uh, में वियना में और कौन कौन मेंबर्स थे इंग्लैंड जिसको आप ब्रिटेन बोलते हो रशिया ऑस्ट्रिया एंड प्रोशिया दीज वर दी फोर किंगडम्स यू कैन से जिनके रूलर्स यहाँ पर मौजूद थे देवोदेव और इन्होंने क्या किया दे साइन द ट्रीटी ऑफ वियना वर्ड लिखा है बेटा शो यू हे इट इज रिटर्न अन डूइंग द चेंजेस अन डूंगय नेपोलियन अब नेपोलियन ने क्या चेंज लाए थे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव भी थे कुछ पॉलिटिकल चेंजेस भी थे अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे वो तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे यानी जो मोनार्कियल सिस्टम ख़त्म हो गया था पावर्स ले ली थी लोगों को कुछ आ, जो प्रवलेज बाय बर्थ नेपोलियन ने खत्म कर दिए थे ये चीज़ें तो इन लोगों के फेवर में नहीं थी तो इनको ये अंडू कंप्यूटर में करते हैं ना अंडू अंडू करने से क्या हो जाता है कंप्यूटर के ऑप्शन में वो जो चीज जो चेंज आपने किया था वो दोबारा से वैसा ही हो जाता है तो ये लोग भी क्या करना चाहते थे नेपोलियन द्वारा किए गए चेंजेस को अंडू करना चाहते थे उनको दोबारा से उसी फॉर्म में सब कुछ लाना चाहते थे

वो जो फ्रेंच में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को इम्पैक्ट ना कर पाए दे ट्राई टू रिस्टोर मोनाकिज देट है थ्रोन बाई नेपोलियन अब नेपोलियन ने जिन जिन कंट्रीज पर कब्जा किया था क्योंकि उसने अपना एक एम्पायर बनाया था उसका मोटिव था कि उसने अपना एम्पायर और बड़ा करना है तो क्या कर रहा था वो धीरे धीरे अपने जितने भी नेबरिंग स्टेट्स uh, थे या आप कह सकते हो किंगडम्स थे ही वॉज़ अटैकिंग ओवर दन और उनको उसने अपने एम्पायर में ऐड कर लिया था तो अब जिस जहां जहां का एम्पायर उसने खत्म किया था जहाँ की किंगडम्स उसने खत्म की थी तो अब इनका मोटिव क्या था कि वहां पर दोबारा से मोनार्कियल सिस्टम सेटअप करना है अब बात यह है कि जो पूरे ट्रेटी ऑफ वियना हुई इसको लीड किसने किया अब कोई ना कोई तो हेड होगा ना तो ट्रेटे ऑफ वियना में जो हेड थे ही वॉज ड्यूक हिज नेम वॉज ड्यूक मैटनिक हु वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रिया वो कहाँ के ड्यूक थे कहा के वो किंग थे द किंग ऑफ ऑस्ट्रिया जिन्होंने की इस पूरे ट्रेटी ऑफ वियना को क्या किया था लीड किया था अभी क्या क्या चेंजेस इस ट्रेटी ऑफ वियना में क्या क्या चेंजेस किए गए वो हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो फ्रांस में जो लुईसटीन था याद है ना आपको तो लुईज सिक्सटीन सी डायनेस्टी से था मतलब वो कौन से वंश से था जो राजा थे ना उनके वंश होते थे तो ये कौन से वंश से था ये बॉर्बन डायनेस्टी से था ही वॉज फ्रॉम दी बॉबन डायनेस्टी तो वो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद खत्म हो गई थी तो इन्होंने क्या किया इन्होंने दोबारा से डायनेस्टी वाज रिस्टोर टू पावर इन फ्रांस अभी उस समय यानी 18, 15, 16 में जो भी बॉबन डायनेस्टी का जो रोलर जो वंशज उनका उस समय था अलाइव उसको उन्होंने दोबारा क्या किया गद्दी पर बिठा दिया दूसरी चीज फ्रांस द टेरिटरीज इट नेपोलियन नेपोलियन के शासन में नेपोलियन ने जिन जिन कंट्रीज पर अटैक करके क्या किया था उनको अपने एरिया में यानी फ्रांस में उनको मिला दिया था उन सबको वापस छीन लिया गया वो सभी टेरिटरीज फ्रांस से वापस ले ली गई थर्ड प्रोशिया वाज गिवन न्यू टेरिटरीज अब ये जो टेरिटरीज जो नेपोलियन ने जीती थी उनको फ्रांस ने मिलाया था वो वापस लेकर किया क्या उनको उनको आजाद थोड़ी किया वो इन्होंने आपस में बांट ली किस किसने ऑस्ट्रिया ने प्रोशिया ने इंग्लैंड ने वो रशिया ने ये वो जो सभी जो छोटे छोटे किंगडम्स नेपोलियन ने जीते थे वो इन्होंने क्या किया आपस में बांट लिए सभी किंगडम्स आपस में बांट लिए अब कुछ हिस्सा किसको दे दिया ऑस्ट्रिया को दे दिया कुछ हिस्सा प्रशिया को दे दिया कुछ स्टेट्स जो है रशिया को दे दिए कुछ स्टेट्स इन्होंने ब्रिटेन के कंट्रोल में चले गए तो इस तरीके से वो सारी टेरिटरीज जो नेपोलियन ने जीती थी वो इन्होंने अपने

जो भी उनका वंशज था उसको वहां पर गद्दी पे बिठा दिया उसको वहां का राजा उन्होंने बना दिया दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म ऑफकोर्स अब ये लोग कंजर्वेटिव थे तो अपने खिलाफ तो कुछ सुन नहीं सकते तो ये लोग किसके क्रिटिसिज्म के तो बिल्कुल खिलाफ थे यानी कि कोई भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता तो कुछ नहीं बोल सकता तो क्या कर दिया सेंसरशिप लगा दी सेंसरशिप लॉज ब्रॉड इन टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज ताकि लोग लिबरलिज्म के बारे में नेशन स्टेट के बारे में नेशनलिज्म के बारे में देश प्रेम के बारे में बातें ही ना कर पाए इसलिए क्या किया सेंसरशिप लगा दी जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा राजा के सरकार क्या थी राजा था जो भी राजा के खिलाफ बोलेगा उसको बंदी बना लो उसको पनिशमेंट दे दो तो ये चीजें उन्होंने चेंज की ओके ये सभी बदलाव ये लोग लेकर आए आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेना लेकिन इन्हीं सब के बीच में जब ये ट्रीटी ऑफ वेना चल रही थी अब ऑफकोर्स जो नेशनलिस्ट थे जो क्रांतिकारी थे रेवोल्यूशनरी थे वो क्या वो डर के बैठ जाएंगे क्या वो लोग क्रांति करना बंद कर देंगे क्या वो लोग आजादी की डिमांड नहीं करेंगे ऐसा नहीं है उन्होंने किया लेकिन जस्ट आफ्टर स्ट्रेटी क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा क्रिअल हो चुके थे उस समय पे कौन कंजरवेटिव कि जो भी उनके खिलाफ बोलता था वो उनको क्या करते थे पनिश कर देते थे या मार देते थे या उनको देश से बाहर निकाल देना तो जो भी है अकॉर्डिंगली यूज टू पनिश देंट तो कुछ समय के लिए क्या किया ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे दे वेंट अंडरग्राउंड उन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया अंडरग्राउंड कर लिया मतलब वो लोग छिप गए वो लोग खुलकर सामने नहीं आए अब इसका मतलब ये थोड़ी था बेटा कि वो लोग डर गए अब आप लोग सोच रहे होंगे भी इसका मतलब तो वो लोग वो क्रांतिकारी कैसे हैं जब वो डर गए नहीं वो डरे नहीं उन्होंने कुछ समय के लिए अपने आप को अंडरग्राउंड किया बट अंडरग्राउंड रहते हुए भी दे कंटिन्यूड देयर एक्टिविटीज इन अ सीक्रेट मैनर सीक्रेट वे में वो लोग अपने काम कर रहे थे लोगों को अभी भी वो लोग क्या कर रहे थे नेशनलिज्म के बारे में लिबरलिज्म के बारे में वो अभी भी लोगों को मोटिवेट कर रहे थे इंस्पायर कर रहे थे लोगों तक तो अपने विचार पहुंचा रहे थे लेकिन खुलकर नहीं गुप्त तरीके से तो उन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड किया क्यों अब ये भी सोचने वाली बात है खुलकर क्यों नहीं काम कर रहे थे देखो बेटा अगर वो खुलकर काम करते तो क्या होता खुलकर काम करते राजा को पता चल जाता राजा को पता चलता वो उनको उठा उठाकर मतलब ये पूरे यूरोप की बात हो रही है अकेले फ्रांस की बात नहीं हो रही पूरे यूरोपियन जो कंट्रीज थी हर जगह की बात हो रही है तो क्या करते उन पर्टिकुलर एरियाज में जो भी किंग्स थे जो भी राजा थे वो उनको बंदी बना देते बंदी बना के उनको या तो मार देते या वो सारी उम्र जेल में पड़े रहते क्या जेल में रहकर या मरने के बाद वो आज़ादी पा सकते थे क्या वो अपने एरिया को एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर सकते थे नहीं तो उन्होंने उस समय यही समझ समझदारी समझी कि नाउ वी शुड बी क्वाइट फॉर अ वाइल। ओके तो इसलिए वो कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गए लेकिन वो सीक्रेट वे में क्या करते रहे अपनी एक्टिविटीज़ करते रहे रेवोल्यूशनरी अपोस्ट अब ऑफ कोर्स ये जो क्रांतिकारी थे जो रेवोल्यूशनरी थे इनका मेन मोटिव क्या था इनका मेन मेन मोटिव वही था कि मोनार्कियल सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए एंड देर शुड बी लिबर्टी एंड फ्रीडम इन द सोसाइटी वही वो लिबरलिज्म की बात करते थे फ्रीडम की वो लोग बात करते थे तो यही उनका जो है मेन एम था लेकिन अभी आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना वो लोग क्या कर रहे थे ये सब एक गुप्त तरीके से कर रहे थे अभी अंडरग्राउंड रहकर वो ये काम कर कैसे रहे थे जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्रेट वे में कर रहे थे तो उसको सिक्रेट वे में करने के लिए किया क्या इन्होंने दे मेड सीक्रेट सोसाइटीज इन डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स यूरोप के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग किंगडम्स में एम्पायर्स में सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी दोज हु रिवोल्यूशनरीज जो चेंज चाहते थे उन सभी को क्या किया गया वो उन सबने धीरे धीरे उन तक ये मैसेजेस पहुंचे गुप्त तरीके से पहुंचे और उन्होंने इन सोसाइटीज को आकर क्या किया इन्होंने इन सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर लिया देखो तो एक एग्जाम्पल जो है आपको इस पिक्चर में शो किया गया है अभी ये जो सिक्रेट सोसाइटीज थी ये काम कैसे कर रही थी रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे थे उसी का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है बेटा दैट इज जिस पे मैजिनी जुसेपे मेजिने कौन थे अगर हम लोग जुसेपे मेजिने की बात करें तो ही यंग इटली के जो है ही हैंग टू इटली ही वॉज बॉर्न इन जानु इन एटीन हंड्रेड एंड सेवन ही वॉज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी एंड हुआ क्या था कि उनको जो है देश निकाला दे दिया गया था अब ये देश निकाला क्यों दिया गया देखो रिटर्न एक्साइल एक्चुअल होता है वनवास वनवास तो मतलब उनको देश से निकाल दिया गया था इन एटीन हंड्रेड एंड थर्टी वन क्यों मिला था फॉर अ रेवोल्यूशन इन लिग्यूरिया उन्होंने जो है वहां पर क्रांति लाई लोगों को अपने साथ जोड़ा तो इसलिए वहां के राजा ने क्या किया उसको वहां से निकाल दिया अब ये जो थे इटली के जो रेवोल्यूशनर थे इनका क्या विश्वास था इनका मानना था दट गॉड है ये जो नेशन स्टेट है या ये जो नेशन देश की हम लोग जो बात करते हैं दीज आर नॉट द ह्यूमन मेड दीज आर दैचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड ठीक है यहाँ ये इनका अधिकार बनता है कि इन लोगों के एक प्रॉपर कन्फाइंड एरिया में रहने के लोगों को परमिशन हो इन अ लिबरल वे इन अ फ्री ये उनको उनका अधिकार समझते थे तो इसी तरीके की क्रांतिकारी ये बातें करते थे लोगों को अपने साथ ही जोड़ते थे और लोगों लोग भी ऑफ कोर्स क्योंकि वो लोग क्या थे राजाशाही से परेशान थे तो वर आल्सो इन फेवर ऑफ हिम उन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई जिसमें से एक थी जब देखो उनको एक्साइ ही गॉट एक्ज लेकिन एग्जाइल यानी देश निकाला मिलने के बाद भी वट हैपन ही फाउंडेड सीक्रेट सोसाइटीज इन अ सीक्रेट मैनर जिनमें से जो दो मेन जो सीक्रेट सोसाइटीज थी वर यंग इटली एंड यंग यूरोप ओके यंग इटली एंड यंग यूरोप ये दोनों जो है उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई और इसमें बहुत सारे जो यूरोपियन स्टेट्स थे उनके मेम्बर्स को उन्होंने इसके साथ जोड़ा जैसे जर्मनी फ्रांस स्विट्जरलैंड पोलैंड इन सभी में जो भी नेशनलिस्ट थे जो रेवोल्यूशनरीज थे जो यंग पीपल थे दोज हु रियली वॉन्टेड टू चेंज द सेटअप ऑफ दअ नेशन दोज हु रियली वॉन्ट द लिबरलिज्म टू बी इन देयर लाइफ तो उन सब ने क्या किया उन सब ने इसको ज्वाइन किया ये जो सीक्रेट सोसाइटी जो जिस पे मैजी ने बनाई थी इसको उन्होंने ज्वाइन किया दे वो वर्किंग विद हिम इन अ सीक्रेट मैनर मैटर एक डिस्क्राइब हिम अब देखो क्योंकि उसको देश निकाला मिल गया सजा मिल गई उसके बाद भी ही वॉज एबल टू अट्रैक्ट द पीपल टू वर्ड्स हिम ही वॉज एबल टू स्प्रेड हिज रेवोल्यूशनरी व्यूज अमंग द पीपल एंड डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स सिर्फ एक देश में नहीं एंड डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स ही वॉज एबल टू डिस्पर्स हिज रेवोल्यूशनरी व्यूज तो हुआ क्या इसके कारण जो ड्यूक मेटर्निक कौन था ड्यूक मेटर्निक सोचो सोच के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ड्यूक मेटर्निक कौन था तो इस ड्यूक मेटर्निक ने क्या कहा ड्यूक मेटर्निक ने इनको डिक्लेयर किया एज द मोस्ट डेंजरस एनिमे ऑफ आवर सोशल ऑर्डर तो ड्यूक मेटर्निक ने कहा कि अगर इसको नहीं रोका गया तो ये जो जिसे पे है ये कौन है ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोसाइटी या हम लोग वो आप कह सकते हैं कि उनकी पावर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था जिससे पे मेजीनी था ऐसा किसका कहना था मेटेनिक का सो स्टूडेंट्स आई होप दैट द टॉपिक इज क्लियर टिल आवर टूडेज क्लासेस फिनिश इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी दैट वट चेंजेस वर ब्रॉट बाय दिज रेवोल्यूशनरीज इन द अपकमिंग ईयर्स If you have any doubt till here, please feel free to ask. Till then, take care and have a good day.